मैं अपने को दावा कर सकता हूं कि मैं इंटेंसली मोदी वॉचर रहा हूं और हमारा उनका इंटरेक्शन भी सब्सटेंशियल टेंजिबल टर्म्स में रहा है। मेरा चूंकि गुजरात में चैनल था, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो काफी बातचीत इंटरेक्शन रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि फेयरली हम मोदी को जानते हैं। मोदी को पिछले ये जो 20 साल हैं इसमें अब वो कन्विंस है कि हमारा जो ये हेक्टरिक मैनर है, हमारा जो ये फाइटिंग जील है, ये पे करता है और ये पे करता है, लिहाजा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप यहां देखिए कि सामने आपके था कि विपक्ष को एक ओलिव ब्रांच आप होल्ड कर सकते थे, एक शांति का मैसेज देते प्रोटेम स्पीकर में, बाकायदे किसी राजनाथ सिंह को या किसी उसको भेज के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को आप कहते कि भाई बताइए प्रोटेम स्पीकर आपके यहाँ कौन है, बहुत अच्छा रहता और ये पहला मैसेज होता रिकॉन्सिलिएशन का, चाहे थोड़ा अपने को वो करने का। लेकिन बजाय उसके आपने सीधे हेड ऑन कोलिजन किया और वो जिसका कोई मतलब है, प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, हाउ डज इट रियली मैटर इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेकिन आपने वही पे वो चैलेंज कर दिया। तो अब मुझे लगता है अच्छा शायद ये प्लान हो कि यार नंबर से हम तो ऊपर है ही है, तो अगर ये नहीं मानेंगे तो हम वॉयस वोट से तो करा ही लेंगे, पार्लियामेंट कंडक्ट हो ही जाएगा, लेकिन तब भूल रहे हैं कि आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कराने हैं और 368 के तहत उसके लिए 2/3 चाहिए। मोदी जी वो आपको नहीं मिलेगा अगर ये हॉस्टिलिटी आपने कंटिन्यू की और वहां पे आप 2/3 लाने के लिए वॉयस वोट नहीं चलेगा, लिहाजा आपको ये अपने को थोड़ा नीचे लाना ही पड़ेगा। हमें बिल्कुल लग रहा है कि अगर इन्होंने नहीं किया तो ये पार्लियामेंट वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक अलग पार्लियामेंट होगा जहां की बिटरनेस अपना मैसेज देगी, इसके अपने तेवर होंगे और कोई ताजुब नहीं है कि ये लगे कि स्ट्रीट ब्रॉल इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और यहाँ पे जो हो रहा है वो उससे ज्यादा घटिया है। पार्लियामेंट हमने भी बहुत साल कवर किया है, तो मुझे अब ये लग रहा है कि ये मोदी जी के लिए एक चैलेंज है कि आप इतिहास में कैसे जाएंगे और इतिहास में अगर जाएंगे तो क्या इस तरह के पार्लियामेंट को की सदारत करते हुए जाएंगे, ये मैसेज होगा, क्योंकि पोस्टेरिटी जब आपको एनालाइज करेगी तो वो रूथलेस होगी। इसमें एनके सिंह साहब एक सवाल आता हूँ विनोद जी आपके पास, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि देखिए गठबंधन की सरकारें पहले भी रही, 89 में भी रही, 96 में भी रही, 98 में भी रही, 99 में भी रही, 2004 और 9 में भी रही, लेकिन और वैसी सरकारें भी रही बीजेपी की, वाजपेयी की, कि 190 से कम सांसद बीजेपी के रहे और कांग्रेस के भी पहली बार 2014 चार में तो बहुत कम थी, 2009 में 206 शायद, अगर मुझे ठीक से याद है 6 या 16। लेकिन इतना बिटरनेस, जो शब्द का इस्तेमाल किया एनके सिंह साहब ने, इतना इतनी बिटरनेस नहीं थी अपोजिशन पक्ष और विपक्ष में जो बिटरनेस अभी बीते 10 सालों में हुई है। और इस तरह से 150 सांसदों को बाहर निकालकर बड़े बड़े कानून आपने बना दिए, पास कर दिए, और एकदम कहते हैं ना जिसको ठेंगे पर रखना परवाह नहीं, आपको जो करना है सड़क पर बैठना है, गांधी जी की मूर्ति के पास अनशन करना, जो मर्जी करो हमें आपकी परवाह नहीं। तो ये बिटरनेस, और उसके बाद एक स्थिति जरूर बदली, नंबर कम हुआ बीजेपी का, लेकिन साथ में यह भी हुआ कि जो सामने विपक्ष है वो एक ब्लॉक की शक्ल में है। बार बार मैं ये कह रहा हूं, ये विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष नहीं, एक ब्लॉक है 233-235 सांसदों का, एक बीजेडी जो बाहर से सपोर्ट कई मौकों पर बीजेपी का करती थी वो जीरो हो गई, और ऐसी पार्टियों की कोई हैसियत नहीं है, बीएसपी के भी कुछ नंबर होते थे जो कभी मौके के हिसाब से अब्स्टेन करके या बीजेपी की मदद कर देती थी, वो भी नहीं। तो एक ब्लॉक और की तरह विपक्ष, और दूसरा है बिटरनेस। तो ये स्थिति एनके सिंह साहब जो आपने कहा इस 10 साल में और पीछे जब गठबंधन की सरकारें थी जो चली है इस देश में, तो ये बदली है ना, इस बदली हुई स्थिति में दर्ज होगा अगले 6 महीने 1 साल, क्योंकि विपक्ष भी उस तरह से नहीं रहेगा जैसे पिछली 17वीं लोकसभा में थी। अजीत जी, व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को एनालाइज करना पड़ता है। मुझे याद है जब 1 वोट से वाजपेयी जी हारे, सत्ता उनकी चली गई, तो 99, तो हम लोग भाग के नीचे गए, सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहे थे, वो उधर से निकल रहे थे, आपको ताजुब होगा, हम लोग अपना मुंह ऐसा बना लिए जैसे कि भाई
हार गए हैं एक वोट से, तो बड़ा गमगीन सा मतलब ये लग रहा था कि भाई हमें भी ऐसा दिखना चाहिए कि कोई हम रिपोर्टर भाई हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ एक वोट से हारना। तो हम लोग भी बड़े गंभीर रूप से जा रहे थे, वाजपेयी जी ने जैसे ही देखा हम लोग को तो इठलाते हुए बोले, लगभग इठलाते हुए, गई गई गई। और ये कह के हम लोग मतलब ताजुब की आदमी प्राइम मिनिस्टर से हट रहा है और ये कमर हिला के कह रहा गई गई। तो ये वो वाजपेयी थे, मोदी वो नहीं है। तो ये जो बड़ा अंतर है इसको आप जब समझे ना तो जी तो मुझे लगता है कि अच्छा विनोद जी को जाना है तो आप विनोद जी से यही उसके बाद उनके पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने हाथ उठाया, पूरी कीजिए उसके बाद जाऊंगा। यही था कि पर्सनालिटीज डिफरेंट है, उनका ब्रॉटअप डिफरेंट है और उनका जो एक रेशनैलिटी का एलिमेंट होता है ना, हर आदमी का लेवल अलग अलग होता है, लॉजिक पावर उसका अलग होता है और वो कितने वेरिएबल्स को लेके अपने लॉजिक तैयार करता है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। मोदी जी बिल्कुल डिफरेंट है और मोदी जी सक्सीड हो रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि दुनिया की एक अजीब प्रॉब्लम है कि जब वो सक्सीड करता है, सक्सेस मिलती है तो लगता है कि वही डिफाइन करता है सच और हम लोग भी उसे ओवरऑड होते हैं। तो यहाँ पे मोदी सक्सेसफुल है ये मोदी के जहन में है, लिहाजा अपने को बदलना, अपने में संशोधन करना, मुझे नहीं लगता कि मोदी के व्यक्तित्व में अब ये नया आ सकेगा। टेक्निकली करे शायद हो सकता हो, लेकिन जो जो विरोध का ऑप्टिमिज्म है वो मैं भी शेयर कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। नहीं मैं ऑप्टिमिज्म नहीं है, छोटा सा जोड़ रहा हूं ताकि उसकी भी व्याख्या कीजिएगा। एक सेकंड, आप दोनों के साथ बात करने में यही अच्छा लगता है क्योंकि आपने 30-40 साल देखा है तो एक तजुर्बा, एक पुरानी कहानियां भी आती है। छोटी सी बात सिर्फ ये कहूंगा, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा 30 सालों में, भाई सरकारें तब भी गिरी तो सारे दाव पेच के साथ गिरी। आधी रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 89 में जब बीपी सिंह की सरकार गिरी 90 में वो भी देखी, उसके बाद 96-97 सीताराम केसरी का समर्थन वापसी, सब एक रिपोर्टर के तौर पर देखा। लेकिन तब भी संवाद के बहुत सारे रास्ते सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, यहां तक कि सरकार गिराने वाले और सरकार गिरने वाली के बीच भी, ये विनोद जी इस दौर में बहुत बुरा हो गया मुझे लगता है, जिसका जिक्र आप लोग भी कर रहे थे। देखिए उस दौर में चंद्रशेखर था जो सबसे बात कर लेता था, उसकी इज्जत थी, वो एक कॉन्सेंसस मेकर था। उस दौर में सोमनाथ बाबू थे जिन्होंने एक बार फैसला ले लिया कि वो स्पीकर पद से त्याग पत्र दे रहे हैं क्योंकि कोई तंज कस दिया था अटल जी ने, तो अटल जी उनके घर पहुंच गए और उनका ये मेरा तात्पर्य नहीं था, आपकी जरूरत है, हमको सदन को जरूरत है आपकी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिर गई तो उनके लिए एक चाय पार्टी की चंद्रशेखर जी ने, ये कहानी सुनाता हूं इनके भी इंटरेस्टेड होगा। तो चाय पार्टी थी तो एक मार्क्यू बनी हुई थी, उसके अंदर बैठे थे अटल जी, तो मैं उनके पास चला गया, उनसे बात करने लगा। तो उतनी देर में वो जो शिव कुमार था उनका साथी वो आया, कहता कि परवेज मुशर्रफ का फोन है। तो मैं आ गया वो तंबू से बाहर थोड़ा सा, तो थोड़ी देर उन्होंने बात की और उसके बाद मैं दोबारा अंदर चला गया। तो मैंने पूछा कि परवेज मुशर्रफ का फोन आया था, क्या बोल रहे थे? तो कह रहे थे ये क्या हो गया। तो मैंने कहा जी आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि मैंने उसको समझाया कि भाई लोकतंत्र में ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब आप देखिए उस आदमी का, उसकी खूबसूरती देखिए, ते उसने उसको बता भी दिया और उसको तंज भी कस दिया कि लोकतंत्र में ऐसा हो जाता है जिसकी तेरे को इत्तला नहीं है, तेरे को नॉलेज नहीं है। ये लोग लोकतंत्र जीते थे उसके लिए मरते थे, ये सरकार चलाने के लिए राजनीति में नहीं थे, ये अच्छे लोग थे। ये नेता याद है विनोद जी कि ऐसी जोर तोड़ वाली सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, वो सुनते हुए आज भी हम लोग थ्रिल हो जाते हैं वाजपेयी का उद्भाषण। देखिए ऐसा है अटल बिहारी वाजपेयी, मैं क्या बताऊं, मैं व्यक्तिगत बात भी है कभी आपको वन ऑन वन बताऊंगा, अपने बारे में बात करना उचित नहीं होता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी लोगों को समझते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात वो अपनी पर्सनैलिटी का जो वैल्यू एडिशन था ना, उनको अपना सही ज्ञान था उसके बारे में। ही वॉज अ लाइक अ वुमन, आई एम सॉरी टू यूज दिस पैरेलल, ही वॉज लाइक अ वुमन हु वॉज कॉन्शियस, हु न्यू अबाउट हिज ब्यूटी बट ही वुड नॉट फ्लॉन्ट इट।
he knew about his beauty as a Democrat. He was a robust democrat, robustly democratic man. Unko apni strengths ka pata tha. Lekin he did not wear that strength to pad his chest, if I may say so. वो बहुत बड़ा आदमी था और इसीलिए और मैं बताऊं आपको, इन लोगों की दोस्तियां थी आपस में, चंद्रशेखर, ये जसवंत सिंह, भैरव सिंह शेखावत। अरे सर जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर्स क्लब बन गया था, 5 प्राइम मिनिस्टर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद है शायद ये 2001 की बात थी, नरसिंह राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, दो और 5 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए बात यह है कि ये सब एक दूसरे की इज्जत करते थे और ये सब लोग चंद्रशेखर जी, मैं चंद्रशेखर जी का, अब लेट मी मेक अ फुल डिस्क्लेमर, मैं चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा एडमायरर होता था एक टाइम पे, और चंद्रशेखर जी को मैंने देखा है कि कई बार ऐसा कुछ कर लिया जाता था जुगाड़ कि अगर चंद्रशेखर जी को दिक्कत भी हो रही है बलिया में तो उसको आसान कर दिया जाता था। क्यों? ये तर्क ये था कि हमको ऐसे लोग सदन में चाहिए, हमको ऐसे लोग संसद में चाहिए, क्योंकि वो आदमी, देखिए जब वो आतंकवादी छोड़ने का निर्णय लिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, कंधार वाला, तो जहां तक मेरी इतला है, चंद्रशेखर जी आडवाणी जी के पास बैठे हुए थे और आडवाणी जी ने उनको फोन करके बोला, शायद उन्होंने फोन करके बुलाया था, कहीं बाहर थे कि भाई आपसे कुछ सलाह करनी है, व्यवहारिक आदमी है, आपसे कुछ पूछना है, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे कि उनको फोन आया आडवाणी जी को कि ये डिसीजन ले लिया गया है, यू हैव टू रिलीज दी दैट मैन टू गेट दोस दैट प्लेन बैक एंड द होस्टेज बैक। हाँ, उस वक्त चंद्रशेखर जी ने आडवाणी जी को क्या सलाह दी कि आप इस पे पब्लिकली कुछ मत बोलिएगा अगर आप इससे ना खुश भी हैं तो। वो विपक्ष में थे लेकिन विपक्ष में रहकर आदमी अपने वतन से मोहब्बत बंद नहीं कर देता है। और एनके ने एक शब्द इस्तेमाल किया नेगेटिव, मैं उसको थोड़ा अमेंड करना चाहता हूं, एडवर्सरियल। मीडिया एंड द ऑपोजिशन हैज टू बी एडवर्सरियल इन अ डेमोक्रेसी। The government may view it as negative, but it is actually adversarial. और हमको तो ये सिखाया गया कि, और एनके को भी सिखाया गया होगा और अजीत तुम्हें भी सिखाया गया होगा कि जब विपक्ष कमजोर है तो फिर मीडिया को एडवर्सरियल ज्यादा हो जाना है। बिल्कुल, गैप्स ऐसे भरे जाते हैं और इसको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, अगर कोई मीडिया का व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है आप तो इज्जत करिए। मुझे याद है 2002 में मैंने माननीय प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया, उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और मेरी बातचीत हो गई उनसे, मैं गांधीनगर में मिला उनसे जाके 2002 के दंगों के दौरान, तो उन्होंने मुझे कहा कि विनोद मैं जानता हूं कि तुम मेरी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो, फिर भी मैंने तुमसे बात की है। तो मैंने कहा नरेंद्र भाई इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसने आप बनाए रखे। तो हमने वो भी पल जिए हैं और इसलिए हम याद करते हैं उन पलों को, और कोई हमसे जो मर्जी औलाना देते रहे, यो कहते रहे कि आप सरकार के खिलाफ हो, आप ये हो, ये वो हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है भाई, हम तो लोकतंत्र के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बना रहे। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत लोकतंत्र मुल्क है, सब कुछ है हमारे पास, यू नेम अ वेदर कंडीशन हमारे पास है, यू नेम अ फ्रूट हमारे पास है, यू नेम अ कॉम्प्लेक्शन फेयर ऑफ द स्किन वो हमारे पास है, और यू नेम अ आइडियोलॉजी वो भी हमारे पास है। कई लोग आजकल जो बीजेपी में बाद में मेंबर हो गए वो तो ट्रॉट्स्कीएट थे, एनके को पता है। अब किसी ने, कितने लोगों ने ट्रॉट्स्कीएट की भी आइडियोलॉजी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन वो ट्रॉट्स्कीएट थे और बीजेपी के साथ हैं अब। तो इसलिए ये खूबसूरती बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए पार्लियामेंट जो है वही है खंबा जो सबको जोड़ के रखता है। और अब मैं जाना चाहूंगा अजीत और एनके आपसे सवाल लेके, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करके, अच्छा लगा। विल मीट अगेन बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब, विनोद जी को चूंकि कहीं जाना था डॉक्टर के पास, सिंह साहब वही जो बात कर रहे थे जो लोकतंत्र की खूबसूरती और बीते 40, 50, 60 सालों में देखा, भाई
अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर मोदी माफ करें नेहरू के संस्मरण है जब उनके भाषण को सुनकर नेहरू ने कहा था कि एक दिन तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये खुद वाजपेयी बोल चुके हैं। और बहुत सारी कहानियां हैं लोहिया के समय की, वाजपेयी और राजीव गांधी के रिश्ते की, वो कहानियां उस दौर की कहानियां हैं जब पक्ष विपक्ष में होकर भी, संसद में एक दूसरे की तीखी आलोचना करके भी, आपकी एक आपके एक निजी रिश्ते रहते थे और एक मर्यादा होती थी। लेकिन वो सारी मर्यादाएं 10 सालों में टूटी है, और इस हद तक कि आप एकदम जिसको कहते हैं बुलडोज करना, डेसिमेट करना, जब इस नारे के साथ आते हो कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो आप इस नारे के साथ आते हो कि तुम्हारे अस्तित्व की समाप्ति पर हमारी इमारत खड़ी होगी, और वो जब प्रवृत्ति होती है तो जैसे जो उम्मीद आपने जताई कि री इन्वेंट करना, उन्होंने अपने शायद शब्द का इस्तेमाल किया, उसकी गुंजाइश इसलिए हमें लगता है कि नहीं, मूल प्रवृत्ति। अब जैसे विनोद जी ने कहा ना 2002 में उन्होंने मोदी का इंटरव्यू किया, जो भी बात हुई, लेकिन उसके बाद का देखिए 2007 में करण थापर के साथ क्या हुआ, विजय त्रिवेदी के साथ क्या हुआ, उसके बाद एक लंबा सिलसिला है। और बीते 10 सालों में तो देखिए सेलेक्टेड लोगों से मिले, किस तरह के इंटरव्यू हुए, किस तरह के सवाल हुए, सब कुछ सामने। तो ये अगला 5 साल, एक आपकी टिप्पणी के साथ खत्म करूंगा कि अगला 5 साल और खासतौर से भी 1 साल ही आप किस तरह से देखते हैं संसद को चलते हुए, जो अतीत में हमने 6 महीने पहले ही देखा 150 सांसदों को संसद से बाहर फेंकते हुए सस्पेंड करके। मेरा ये मानना है कि मैं ऐसे कम से कम 2 दर्जन किस्से बता सकता हूँ जो मोदी जी के व्यक्तित्व को सही वो दे देंगे, डिपिक्ट करेंगे, लेकिन वो चूंकि पर्सनल डोमेन में है इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, और वो हमारा हमारे एक जर्नलिस्ट के रूप में वो सही होगा भी नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बहुत उम्मीद थी कि अब ये व्यक्ति, जब जनता का मैसेज मिल गया है कि नहीं तुम्हारा ये तरीका, और जनता का ही नहीं आरएसएस चीफ ने भी ये मैसेज दे दिया है कि कहीं आप सत्ता में आके एरोगेंट हो रहे हैं, कभी आपका ये हेक्टरिक मैनर जो है ये नेगेटिव जा रहा है, और ये संख्या पार्लियामेंट की बता रही है, तो जो कम से कम थोड़ा सा अपने को एमेंड करेंगे, ये हमें बहुत उम्मीद थी। लेकिन मैं फिर गलत साबित हुआ इतना कुछ जानने के बाद। मैं जानता था, मेरा अनुभव था कि ये व्यक्ति में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब प्रोटेम स्पीकर का हुआ तो हमने कहा कि ये आदमी अब वहां पे एरोगेंस के मकाम पे पहुंच गया है। वो बड़ा अच्छा शेर है, गुरूरे मैं कसी की कौन सी मंजिल है ये साकी, खनक सागर की आवाजें खुदा मालूम होती है। तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो अहंकार का वो क्षण होता है जिसमें कि आपको नीचे नजर ही नहीं आता कि आपका जमीन जा रहा है, क्योंकि अहंकार में आपकी नजरें, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं कॉन्डेसेंडिंग लुक, आप हिकारत से माने को देखने लगते हैं और समझते हैं यार भाषण कुछ भी दे दो, इनको तो बना ही लोगे, और तब आप जो भाषण देते हैं उसमें इमोशन तो होता है लेकिन दिमाग आपका कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है। तो हमें लगता है कि मोदी जी का बदलना मुश्किल है, और नहीं बदलेगा तो ये पार्लियामेंट इतिहास बनाएगा दुनिया के पार्लियामेंट्स में, और अपने जो एक बिटरनेस होगी उसको लेके एक इतिहास बनाएगा। हम लोग को 5 साल के लिए बहुत ही क्लीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चीजें क्यों बदल रही है और कितनी बदल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या, जैसा कि आपने उम्मीद जताई, क्या स्थितियां बदलती है, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी शैली में बदलाव लाते हैं, इन्वेंट करते हैं, और क्या स्पीकर के तौर पर दूसरी बार पदासीन हुए ओम बिरला, जिस तरह से उन पर आरोप लगे, विपक्ष ने लगाए और जो आज भी इशारों में तंज किया गया, क्या वो अपनी शैली भी बदलते हैं, और विपक्ष को, लोकतंत्र में विपक्ष की जो हैसियत है उस हैसियत का सम्मान सत्ता पक्ष को भी करना होगा, तभी संसद सुचारू रूप से चलेगा। एक तरफा नहीं हो सकता कि संसद की गरिमा का की जिम्मेदारी विपक्ष के पास है और सत्ता पक्ष उस तरह से काम करे, बेलगाम होकर कायदे कानून पास कराए और संसद की मर्यादा को तार तार करे। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी सिंह साहब, बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार और शुक्रिया।